आइए देखते मजा आएगा। आप हमसे कितना प्यार करते हैं? 72%। और बाकी के 28%? अरे पागल, 28% तो GST में कट जात। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सोचो अगर दुनिया में सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर। Oh my God! Wow! 15 दिन के लिए मायके जा रही हूँ, सुकून से जीने देना। इतना दिमाग वाली बात मत करना, मायके जाने के बाद मुझे फोन नहीं करती। अरे तेरी बहुत याद आती है और तेरा इंतजार रहता है मुझे। दादाजी की पुरानी तलवार पड़ी है ना? हाँ लेकिन क्यों? वही तलवार से बीच में से काट दूंगी तेरे को, झूठ बोलेगा तो। जब साथ में रहती हूँ कोई बात पूछती हूँ तो मेरी तरफ देख के भी हाँ नहीं बोलता तू। मेरी हर बात पे गुस्से में बकासुर बन के घूमते रहता है जैसे कि मुझे खाई जाएगा। मुझे याद और मेरा इंतजार तू किस लिए करता है मुझे पता है। तेरी हालत उस भूखे आदमी की तरह हो जाती है जिसको 15 दिन तक खाना नहीं मिला हो। ऐसे 16वें दिन खाना दिखा राक्षस की तरह खाने पे टूट पड़ता है। मम्मी खाने में क्या बना है? रसगुल्ला खाएगी? तोरी बनी है, फटाफट जाके खा ले। मैं नहीं खाऊंगी तोरी फोरी। ऐसा कौन ही मारूंगी, तू क्या तेरा बाप भी खाएगा, चल फटाफट खा। चावल थोड़ा गीला हो गया, ध्यान नहीं था तुम्हारा। ऐसा है बकवास तो करो मत, खाना है तो खाओ वरना किचन में जाके खुद बना लो। 5 मिनट किचन में खड़े रहोगे ना तब पता चलेगा। खुद तो पंखा चला के अखबार लेके बैठ जाते हो, चावल गीला हो गया। मम्मी आज तो कुछ स्पेशल बना देते हैं, आज तो संडे है। तू कब सीखेगी? 24 घंटे जो तू फोन में लगी रहती है, शादी के बाद फोन काम नहीं आएगा। बच्चों आज शाम के खाने में क्या खाओगे? मेरे लिए पनीर बना दो। आलू बना दे। मम्मी मेरे लिए बिरयानी बना दो। हाँ तुम्हारे बाप ने होटल खोल रखा है ना, 56 भोग बनाऊँ तुम्हारे लिए, टिंडे के भुजिया और खिचड़ी बना रही हूँ। मम्मी हम आज रात में खाना नहीं खाएंगे, हम ना बाहर से मोमोज खाकर आए हैं। हाँ बाहर का ही अदर कदर खाते रहो, बस जब पेट दर्द होगा तब आना मेरे पास, वहीं मारूंगी तोला। आपके लिए भी लाए हैं। कोने वाली के पास लाई है, 3 सेक्टर में तो अच्छा नहीं बनाता। इसको बीच में से फाड़ दूंगी मैं, समझा लेना इसको। इसको पता नहीं है किससे पंगा ले रही है, चप्पलें मार मार के मुलाल कर दूंगी इसका। हुंडी सकल की कलाकंद से मुंह की रात गई बात गई का मतलब मुझे तब समझ में आया जब मेरे पति ने खुद डेमो देके समझाया। मतलब रात को हमारी कितनी भी जोर से लड़ाई हो जाए, महाभारत हो जाए, महासंग्राम हो जाए, कमरा एकदम रणभूमि बन जाए, उसको सुबह याद ही नहीं होता कि रात को हुआ क्या था। हमारे ओपिनियंस नहीं मिल रहे होते, हमारी थिंकिंग नहीं मिल रही होती है, हम मतलब सब खत्म खत्म, मतलब दी एंड, अब नहीं रहेंगे साथ में वाली स्टेज आ जाती है। मतलब कि लड़ाई का लेवल वो होता है कि एक दूसरे के साथ रहने के बाद भी एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, वो लेवल होता है लड़ाई का कि तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है मुझे। पर पता नहीं सुबह उसको क्या हो जाता है, सुबह वो ऐसे उठता है जैसे स्वर्ग से कोई परा उतरा हो धरती पे। मुझे कभी कभी लगता है कि ये मेरे अकेले का ही है, ये आदमी ऐसे ही होते हैं। मतलब मैं लड़ाई के बाद ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन पूरा सब कुछ लेके उसके साइड में रो रही होती हूँ और वो मेरे बगल में कुंभकर्ण की तरह सो गया होता है। और सुबह उठ के वो इतना नॉर्मल बिहेव करता है, इतना नॉर्मल बिहेव करता है जैसे रात में हमने लड़ाई नहीं कीर्तन किया हो। मेरे दिमाग में रात भर इतनी बातें चल रही होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि सुबह होने दो फिर बताती हूँ उसको। पर क्या फायदा सुबह होने का, क्योंकि सुबह तो वो इतने हैप्पी जॉली मोड में उठता है कि भगवान को दया आ जाए उस पर कि इससे झगड़ा मत करो। और उठते से ही बोलेगा, अरे तुम अभी तक वही बात लेके बैठी हो, छोड़ो ना, अभी रात गई बात गई, खत्म करते हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, तेरे कहने का जो भी मतलब था, मगर मूड और रात तो मेरी खराब हो गई ना। लाल 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 अये चुगल लो भाजी। हाँ। दो लड़कों का नंबर सेव करो। हाँ बताओ। लड़कों का इल्ले बुल्ले इल्ले बुल्ले इल्ली बुल्ली चुनिया मुंजी पो। ये है कौन बाजी? अये चुगल लो भाजी, मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड है। हाँ अभी 3-3 बॉयफ्रेंड चला रही हूँ, टाइम नहीं है इसलिए 2 तुम्हारे पास सेव करा दिए। 2 57 के बाद 2-2 बॉयफ्रेंड होगा तुम दोनों के पास। जब इनसे ब्रेकअप हो जाएगा ना तो इन्हें सेट कर लेना, ठीक है? इतने तुम इन्हें बीच में हिल जाके रखना। हिल जाके बाजी? हाँ हिल जाके रखना, चिकनी चुपड़ी बातें करना ना, हाँ करना ना हाँ करना। जब भी कुछ बोले ना दोस्त नहीं बन सकते,
दोस्त अच्छे होते हैं, वो जो लड़के खेलते गेम दोस्त वाला, मैं वही वही लॉलीपॉप चुपका हूँ वही, ठीक है आ रही हूँ मैं। ला 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 ला। भाई ने बोला करने का तो करने का। 10 बार करते हैं कम से कम। क्या करते हैं? गुल गुल मंजन नशा होता है गुरुजी। अच्छा गुल, उससे गुल हो जाता है। गुरुजी मंजन होता है, जब इनको गुस्सा आएगा तो 8-10 बार उसी को करेंगे। अच्छा मंजन में भी नशा होता है? हाँ गुरुजी, वो चक्कर आने लगता है। कौन सा मंजन नशा होता है? नस मंजन। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।